वेलकम टू माय चैनल। तो डिसकनेक्शन एनालिसिस में हम लोग एग्जांपल सोल्व कर रहे थे, तो ये भी वीडियो में हम लोग एग्जांपल ही सोल्व करेंगे। ओके, हम लोग एरोमेटिक डिसकनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये पहला एग्जांपल देखिए, ये क्या है, ये पैरासीटामोल मोलिक्यूल है। अब हम लोगों को इसका डिसकनेक्शन सोचना है कि किस तरह से हम लोग इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अगले वीडियो जो भी मेरे देखते होंगे कंटिन्यूअसली, तो आप लोगों को पता होगा ये जो NH C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये नाइट्रोजन का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। ओके, नाइट्रोजन को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर कौन सा स्टेप होगा, तो होगा क्या, CN डिस्कनेक्शन। यहाँ से ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम लोग ये बोन डिस्कनेक्ट करेंगे, ये वाला बोन। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर रिएजन कौन से होंगे, और यहाँ पर तो ये NH2 ही ग्रुप होगा। ओके, पेरा एमिनो फिनोल जैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, सिंपली सिंपल कंडीशन है, ये देखिए यहाँ पर CN डिस्कनेक्शन करेंगे। ओके, किसका यूज करके, एसिटिक एनहाइड्राइड और H प्लस की कंडीशन में हम लोग इसको NH2 को प्रोटेक्ट करेंगे। यहां पर ये NH2 ग्रुप वाला कंपाउंड होगा, ये देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देखिए ये कंपाउंड है। अभी मैं थोड़ा सा कलर यहां पर ग्रीन कलर ले लेता हूँ, तो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी मजा आए। ओके, तो ये देखिए ये NH2 का यहाँ पर प्रोटेक्शन हुआ है, एसाइलेशन मीन्स एन एसाइलेशन यहाँ पर हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड और H प्लस की कंडीशन में। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये NH2 है ये कहाँ से आया होगा, NH2 है वो NO2 में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब NO2 में से NH2 आया होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन अप्रोच बोलते हैं हम इसको। ओके, तो ये पैलेडियम N4 को ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर NO2 ग्रुप होगा, पेरा नाइट्रोफिनोल जैसा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, ये देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए पेरा नाइट्रोफिनोल। ओके, तो ये जो NH2 ग्रुप है, अभी मैं उसको भी कलरफुल कर देता हूँ, NH2 ग्रुप में NO2 ग्रुप का हम लोगों ने NH2 ग्रुप में कन्वर्जन किया, क्या किया, NO2 का NH2 में, और फिर NH2 का प्रोटेक्शन के थ्रू NHCO। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब तो बहुत सिंपल है, फिनोल का नाइट्रेशन कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये फिनोल होगा, सिंपल मोलेक्यूल से ये फिनोल कॉमर्शियली अवेलेबल सोर्स है। ओके, तो ये फिनोल का हम लोग नाइट्रेशन करेंगे तो बहुत इजीली यहाँ पर NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब देखिए इसकी सिंथेसिस, फिनोल का नाइट्रेशन, ये NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, NO2 का वापस रिडक्शन के थ्रू NH2 और NH2 का एसाइलेशन करेंगे। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिडिक कंडीशन में, तो पैरासीटामोल रेडी हो जाएगा, ये पैरासीटामोल ड्रग है। ओके, जिसका हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं कई बार, तो बहुत सिंपल सिंथेसिस थी। अब देखिए ये मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पर, अब इसका डिस्कनेक्शन कैसे करोगे, जरा सोचिए, यहाँ पर ये पोलर बॉन्ड है, इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं इसको डिस्कनेक्ट करके, देखिए ये बॉन्ड का यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे हम लोग। ओके, उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ डिफरेंट कलर से, देख सकते हैं इस बॉन्ड का डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पर किस तरह से जनरेट होगा, यहाँ से ये सिंथोन मिलेगा तो यहाँ पर ये क्लोरीन ग्रुप होगा, यहाँ पर कार्बोनिल की एडजेसेंट पोजीशन पे, और यहाँ पर ये OH ग्रुप हो जाएगा। OH को एक्टिवेट कैसे करते हैं, बेस के थ्रू OH का प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर ये क्लोरीन होगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्लोरीन पे अटैक कर देगा, तो ये सिंपली क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है। ओके, यहाँ पर देखिए अभी मैं आप लोगों को ऐसे बताता हूँ,
ये देखिए यहाँ पर ये सी ओ डिसकनेक्शन करेंगे। ओके तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हम लोग, देखिए यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर दे देता हूँ तो आप लोगों को मजा आए देखने में और समझने में परेशानी ना आए। ये देखिए अब ये जो बेज है, ये ओएच का प्रोटोन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर एनआईएन होगा ओ माइनस। ओके तो ये एनआईएन सीधा यहाँ पर अटैक कर देगा, ये सीएल माइनस यहाँ से लीव कर जाएगा, तो ये यहाँ से ये कंपाउंड यहाँ से सीओ बोन कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ओके अब देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये मोलेक्यूल में देखिए ये तो सिंथेटिक इक्वाइलेंट हम लोगों को मिल जाएंगे, ये कॉमर्शियली अवेलेबल है। ओके अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल फ्लोराइड। अब ये देखिए ये स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर हम लोग नाइट्रेशन तो नहीं कर सकते, यहाँ पर यहाँ पे कंपाउंड का नाइट्रेशन तो नहीं कर सकते, एनओ टू को डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो ओ एच है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एनओ टू कहाँ पर है, मेटा पे। तो हम लोग इसका डिस्कनेक्शन सोच सकते हैं, ये बोन का सी सी यहाँ पर देखिए, अभी ये बोन का हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे इस बोन को। ओके यहाँ से डिस्कनेक्ट करके क्या मिलेगा, अब ये बोन जनरेट कैसे होगा, यहाँ से ये सी सी बोन किस तरह से हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए ओ एच लगा देते हैं ये कार्बन पे। ओके ओ एच लगा देते हैं और फिर ओ एच को एच प्लस के थ्रू एक्टिवेट किया जा सकता है, ओ एच का एच टू में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर देखिए अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो बोन का डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये देखिए ये ओ एच का यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड एच प्लस के थ्रू यहाँ पर ओ एच टू हो जाएगा, एच टू वो गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से वो निकल जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बेंजीन रिंग है वो ओ एच की वजह से न्यूक्लियोफिलिक है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर सिंपली अटैच हो जाएगा। यहाँ पर ओ एच भी क्या है, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है। ओके एनओ टू के कंपेरिजन में इसकी पावर है वो स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ। मगर अभी आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि एनओ टू भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मगर ओ एच की पावर इससे स्ट्रॉन्ग होती है डोनेशन की। ओके तो ये भी सिंपल स्टेप है, तो यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, मेटा डाइनाइट्रोफिनोल मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ से एज ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब वो का किस तरह से जनरेट होता होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए यहाँ से नाइट्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो इसकी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, वो एक क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो मेटा पोजीशन पे नहीं, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो एच को यहाँ से हटाना होगा हमको, तो ओ एच को किस तरह से हटाया जा सकता है, तो ओ एच का डिस्कनेक्शन फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन ओ एच का करेंगे। तो ओ एच कहाँ से आ सकता है वो हमने अगले स्टार्टिंग के वीडियो जो से डिस्कनेक्शन के जो भी थे वहां पर हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर डायजोनियम सोल्ट होगा यहाँ पर, ओके जिसका वाटर मीडिएटेड हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, फिनोल मिलेगा हम लोग। ये तो 11, 12 में भी आता है कि डायजोनियम साल्ट का वाटर के साथ रिएक्शन करोगे ओ एच माइनस न्यूक्लियोफाइल के बेस पे तो यहाँ पर ओ एच जनरेट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा डायजोनियम साल्ट होगा। ये देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखा आपने यहाँ पर डायजोनियम साल्ट है, इसकी ओ एच मीडिएटेड रिएक्शन करोगे बेस मीडिएटेड तो यह एन टू रिप्लेस हो जाएगा ओ एच से। ओके अब क्या होगा, यहाँ पर भी एन एच टू होगा डायजोटाइजेशन के थ्रू वो आया होगा, ये स्टेप तो बहुत इजी है। ये देखिए मैं रेड कलर से इंडिकेट करता हूँ तो सभी रिएक्शन कंडीशन एक जैसी ही दिखे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा एन एच टू ग्रुप वाला एन एच टू ग्रुप वाला कंपाउंड मिल गया। देखिए एन एच टू का डायजोटाइजेशन करके हम लोग एन टू क्रिएट करेंगे। ओके अब यहाँ पर क्या हो सकता है,
ट्राइनाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट कर दे, क्या बोलते हो? सही है, ट्राइनाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। वो कैसे प्रिपेयर होगा वो आप लोगों को पता होगा। अब ये देखिए यहां पर, ये बहुत समझने वाली है कि यहां पर NO2 होगा। क्या होगा यहाँ पर, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये रिएजेंट एक सिलेक्टिव रिएजेंट है। अभी देखिए ये सिंथेसिस इस वे में होगी ना, यहां से ये स्टेप आ रहा होगा। ओके, ये तो रिट्रो एरो है। ओके, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये सिंथेसिस रिवर्स डायरेक्शन में होती है। तो यहां से ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर सिलेक्टिव रिडक्शन होगा, कोई वन नाइट्रो ग्रुप का ही रिडक्शन करेगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई भी वन नाइट्रो ग्रुप का ही रिडक्शन करेगा, सिलेक्टिव रिडक्शन होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है सिलेक्टिव रिडक्शन, ओनली वन NO2 विल बी रिड्यूस्ड। तो बेंजीन के ऊपर ट्राई नाइट्रो ग्रुप होंगे, तीन नाइट्रो ग्रुप, उसमें से कोई भी एक का ही रिडक्शन करेगा ये। रेडी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रिंग किस तरह से, ये किस तरह से मॉलिक्यूल प्रिपेयर होगा ये सोचिए जरा। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, CH3 का नाइट्रेशन करोगे आप लोग तो ट्राई नाइट्रो भी, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसका एक्सेस नाइट्रो के प्रेजेंस में आप लोग नाइट्रेशन करोगे तो ट्राई नाइट्रो बेंजीन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ से CH3 यहाँ पर लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, CH3 कैसे आएगा आप लोग सोचिए। तो यहाँ पर COOH ग्रुप होगा, COOH का क्या करोगे, CH3 का ऑक्सीडेशन होगा तो COOH ग्रुप आएगा, उस COOH को आप लोग डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू रिमूव कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई डमी ग्रुप हम लोगों को बिठाना होगा। देखिए यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ डमी ग्रुप किस तरह से यहाँ पर आएगा। -CO2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप -CO2 कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो यहाँ से ये -CO2 से रिमूव हो जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर CH3 होना चाहिए, CH3 का ऑक्सीडेशन करोगे मिथाइल का तो आ जाएगा। ओके, ये तो सिंपल प्रोसेस है, KMnO4 थ्रू ऑक्सीडेशन करोगे मिथाइल का, टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 के थ्रू तो क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये CH3 का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा और वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। अब टोल्यूइन का नाइट्रेशन आप लोग आसानी से कर सकते हो, तो ये बात तो आप लोगों को पता चल गई होगी कि यहाँ पर टोल्यूइन आने वाला है। देखिए सिंपल कॉमर्शियली अवेलेबल सोर्स टोल्यूइन, सिंपल सॉल्वेंट टोल्यूइन है, वो सॉल्वेंट है, सिंपल सॉल्वेंट से स्टार्ट होगी हमारी रिएक्शन। और ये सारा कंपाउंड, इतना बड़ा कंपाउंड हम लोग डिजाइन करेंगे। देखिए इसकी सिंथेसिस एक बार रिवाइज कर देते हैं, टोल्यूइन का नाइट्रेशन करोगे तो ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन मिल जाएगा, उसके बाद इसका CH3 का ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये ग्रुप हम लोगों को रिमूव करना है तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये COOH इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, COOH में कन्वर्ट हुआ, -CO2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये COOH नहीं होते हुए आप लोग NH2 का नाइट्रेशन भी कर सकते हो ना, एनिली ये रूट भी यहाँ पर बन सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर एनिलिन होगा
NH2, तो NH2 का नाइट्रेशन करोगे तो ट्राई नाइट्रो, एनिल का नाइट्रेशन अभी पॉसिबल नहीं है अभी, वो तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि HNO3 यूज होता है नाइट्रेशन में। वो क्या होता है, वो एनिलीन पर रिएक्ट कर देता है NH2 पे, तो NH2 का ऑक्सीडेशन कर देगा। ओके, तो वन मेथड ये है कि यहाँ पर देखिए ये NH2 को प्रोटेक्ट करोगे आप लोग, यहाँ पर ये जो एनिलीन है, मान लीजिए हमने यहाँ एनिलीन लिया, तो NH2 को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से NH2 प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी पता है? NH2 प्रोटेक्ट होने के बाद जो ये ग्रुप मिलेगा, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये ग्रुप हम लोग हटा देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। यहाँ पर देखिए NH2 तो प्रोटेक्ट हो जाएगा NH से। अब यहाँ पर हम लोग नाइट्रेशन करोगे इस मोलेक्यूल का, तो क्या होगा पता है आप लोगों को? ये NH2 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अभी ये प्रोटेक्ट तो हो जाएगा, अभी ये इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इसी वजह से जो भी नाइट्रो कंपाउंड हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन में NO2 मिलेगा, वो एक ही NO2 मिलेगा। ओके, ये एक रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है, वो मैंने अगले वीडियो में शायद बताया था, वो जो स्टार्टिंग के एमिनो ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन था वहां पर, कि यहाँ पर जो भी NH को प्रोटेक्ट तो कर दोगे अब आप लोग। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों ने सोचा कि ट्राई नाइट्रो ग्रुप लगाने हैं, तीन नाइट्रो ग्रुप, अब यहाँ पर लग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि NH2 की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक क्राउड अपनी ओर खींच लेगा, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब ये रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन यूज कहाँ पर होती है, कि NH2 का आप लोगों को मान लीजिए क्या करेंगे, NH2 का कहीं और रिएक्शन, मान लीजिए कि फिडेल क्राब अल्केलेशन करना है, तो दो आइसोमर मिलेंगे आप लोगों को, एक ऑर्थो पेरा पे दो सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑर्थो पेरा पे दो सब्स्टिट्यूशन, एक ऑर्थो पे मिलेगा और वन पेरा पे। अभी मान लीजिए आप लोगों को सिलेक्टिव पेरा ही प्रोडक्ट चाहिए, जैसे यहाँ पर वो एक था, सिमिलरली आप लोगों को पेरा प्रोडक्ट ही चाहिए, तो क्या करोगे? ये देखिए ये सिंपली पेरा पे ही हुआ, देखा आप लोगों को सिर्फ पेरा सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो NH2 की न्यूक्लियोफिली मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग कैपेसिटी को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर ये ग्रुप ऐड किया जाता है, तो सिर्फ आप लोगों को ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा, पेरा पे ही मिलेगा, तो इसी वजह से यहाँ पर NH2 नहीं यूज कर सकते। ओके, फिनोल यूज कर सकते हैं, मगर उसके लिए थोड़े से स्टेप इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि फिनोल को रिमूव करना होगा डायज़ोटाइजेशन के थ्रू, वो सारी बातें थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर सिंपल टोल्यूइन यूज करेंगे, उसका नाइट्रेशन ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन मिलेगा, उसका ऑक्सीडेशन क्योंकि CH3 को हम लोगों को रिमूव करना है तो COOH में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डीकार्बोक्सीलेशन के थ्रू ये COOH रिमूव हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्टिव रिडक्शन, कोई भी 1 NO2 ही रिड्यूस होगा NH2 में, और उस NH2 का डायज़ोटाइजेशन, उसका फिर OH में कन्वर्जन, OH- के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और ये बाहर सीधा, और फिर यहाँ पर ये अल्काइल चेन ऐड करनी पड़ेगी। किस तरह से? यहाँ पर OH इसका H+ के थ्रू H+ डोनेट करेगा एसिड, H2SO4 यहाँ पर यूज कर सकते हो कॉन्सेंट्रेट, H+ डोनेट करेगा तो ये OH प्रोटोनेट हो जाएगा। ओके, तो OH प्रोटोनेट होने से ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बोन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, हाईली पोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ पर N9 जनरेट होगा, वो इस पॉजिटिव चार्ज को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, सिंपली CC कनेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर ये बोन कनेक्ट करने हैं, सिंपली बेस का यूज करेंगे तो ये OH का प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर N9 जनरेट होगा और वो N9 कार्बोनिल पे अटैक कर देगा, और यहाँ पर CL सीधा बाहर, क्योंकि ये हेलोजन सभी होते हैं गुड लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पर फ्लोरिन होता तो नहीं होता वो बाहर, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन है वो क्या होता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, मतलब कि ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, उसकी साइज छोटी है। अब यहाँ पर ब्रोमीन होता तो क्लोरीन की वजह से ब्रोमीन है तो वो बहुत अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। ओके, वो भी आप लोगों को देखना चाहिए, यहाँ पर ब्रोम आयोडीन को सबसे अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन और आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप के केस में मोस्टली ब्रोमीन और आयोडीन
बेस्टली यूज होते हैं, बेस्ट, क्योंकि वो क्लोरीन से ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप है। इसकी साइज थोड़ी सी छोटी होती है, क्लोरीन की तो सबसे छोटी होती है, तो वो तो लीव ही नहीं करेगी। ओके, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट। तो ये कंपाउंड हम लोगों को फाइनली सिंथेसाइज हो जाएगा। सो इस वीडियो में दो एग्जाम्पल हमने अच्छे अच्छे देखे, नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल देखने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।